हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। इस फ्लावर को बनाना मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए तो समझ में आ जाएगा। इस फ्लावर को बनाकर आप कई सारे फ्लावर बनाकर इसको थाल पोज भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही कम समय में बनने वाला फ्लावर है, इसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, बेबी गर्ल के टॉप में या फ्रॉक में या उसके कैप में भी लगा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए इसे बनाना बताते हैं। फ्लावर बनाने के लिए इस तरह लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक चैन बना के इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 22 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। बाईस बार बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाला चैन है इसमें सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इसमें दो चैन बनाएंगे, 1, 2, धागा कट कर देंगे। ये देखिए सर्कल बन के तैयार हो गया है। इस धागे को पीछे की तरफ बैक साइड में एडजस्ट कर देंगे। अब इसे पिंक ऊन में नॉट लगाएंगे। इधर पे ये बीचों बीच सेंटर से इस तरह लेंगे इसमें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसमें 10 बार लेके इसमें सारे फंदे सिक्योर कर देंगे। इसमें एक चैन बनाएंगे, एक चेन बना के धागा कट कर देंगे। इसको उल्टे साइड से बैक साइड से इसको धागे को सिक्योर कर देंगे।
इसी तरह के 5 पीस और बनाए हुए हैं। अब इनको सुई धागा से इसकी हेल्प से इसको सिलाई कर देंगे। इसमें देखिए अब बीच में लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे। थोड़ा सा इसको धागा को लंबा करेंगे। ये फर्स्ट वाली चैन में डाल के इस तरह बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आठ, आठ बार बनाने के बाद में सारे फंदों को बंद कर देंगे। एक चैन बना के धागा कट कर देंगे। इसको इस तरह बांध देंगे व्हाइट वाले फ्लावर को बनाने के बाद में। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। देखिए ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। इसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं।